शुरू करें। अनिल भैया करें शुरू। अनिल भैया आदेश है आपका। पाठक जी मैडम से बोल लो। भाभी शुरू कर दें, आपकी परमिशन जरूरी है। इसको छापना है, जरा फ्रंट पे छापना है इसको। डॉक्टर भाई, डॉक्टर भाई, कुछ लगाओ राहुल, डॉक्टर भाई और बीच में कोई चेयर वगैरह उठा के शोर मत करिएगा, चेयर की आवाज बहुत आती है, डिस्टर्बेंस होता है, एक बार जो कब्जा कर लीजिए। आ जाओ, चलो आ जाओ राहुल, आ जाओ पीछे आ जाओ। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, अभूतपूर्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय अरुण यादव जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ही हमारे सीनियर लीडर आदरणीय चंद्रिका प्रसाद द्विवेदी जी, डबरा के हमारे सम्मानित विधायक सुरेश राय साहब, मीडिया टीम के मेरे सम्मानित और सक्रिय साथीगण, सम्मानित पत्रकार साथियों, कैमरामैन मित्रों और फोटोग्राफर साथियों, मुझे याद है कि 21 जून 2014 को माननीय अरुण यादव जी के ही निर्देश पर मैंने इसी सभागार में बहुत बड़ी उपस्थिति के बीच व्यापम घोटाले को उजागर किया था। हालांकि उसकी मुझे उसकी कई कीमत चुकानी पड़ी है और आज भी चुका रहा हूं, पर आज यह कहते मुझे गर्व है कि उस वक्त मैंने माननीय अरुण यादव जी के निर्देश पर इस मामले को उठाया था और आज उनकी मौजूदगी में व्यापम पार्ट 3 का मामला कांग्रेस पार्टी उठा रही है। आप सभी को मालूम है कि 90 अरब रुपयों के भ्रष्टाचार वाले व्यापम पार्ट 1 में जिस तरह शिवराज सरकार ने तमाम आरोपी के दोषी होने के बावजूद भी अपने आप को बेदाग बताया है, और मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूं कि जिस व्यापम घोटाले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर आंच आई थी, उनके बंगले में ही रहने वाले उनके ओएसडी प्रेम प्रकाश की जमानत हुई थी, इस मध्य प्रदेश के इतिहास में कई बार राज्यपाल के विरुद्ध एफआईआर हुई थी, कई आईएएस और आईपीएस उस व्यापन घोटाले में शामिल थे, वो जेल गए, एक कैबिनेट मंत्री 2 सालों तक जेल रहे। तो ये सरकार तो यही होती है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, आईएएस, आईपीएस, मंत्री और ये सब जेल गए, उसके बावजूद भी पैसा देने वाले बच्चे अभी भी जेलों में, उन्हें 7-7 साल की सजा हो रही है और जिन्होंने खाया है वो श्यामला हिल्स के बंगलों में बैठे हुए हैं। यानी कितना बड़ा अन्याय, संविधान के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ, माननीय न्यायालय को भी थता दिखा दी गई कि पूरी सरकार व्यापम घोटाले में आकंठ भ्रष्टाचारी साबित होने के बाद भी सरकार निर्दोष है और बच्चे जेल में। आज फिर माननीय अरुण यादव जी पटवारी भर्ती घोटाले को लेकर, व्यापम पार्ट 3 को लेकर आपसे खुली चर्चा करेंगे। पार्ट 2 कृषि विस्तार अधिकारियों का हुआ था, जिनमें इन्हीं मुख्यमंत्री ने विधानसभा में घोषणा की थी
कि कांग्रेस पार्टी ने हम सभी ने कृषि विस्तार अधिकारी के प्रमाण दे दिए थे और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करके विधानसभा की एक समिति बनाई थी। उस समिति ने यह पाया कि कृषि विस्तार अधिकारियों के नियुक्तियों में एक ही समाज के लोगों की भर्ती हो गई थी, और वो किसके लोग थे जो सबसे ज्यादा आरटीओ के भाजपा के दफ्तर में ईमानदारी की बात करते हैं, मगर आज तक मुख्यमंत्री जी क्योंकि उन्हें बगल में बिठाते हैं उनको दोषी साबित नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा इस घोटाले में, वो उनके बगल में बैठते हैं तो छोड़ोगे किसको? सारे तो अलीबाबा 40 चोरों की फौज मुख्यमंत्री जी आपके पास बैठती है, और जो पटवारी घोटाला हुआ है उस पर पूरी विस्तृत चर्चा के लिए मैं प्रार्थना करना चाहूंगा माननीय अरुण यादव जी से, उन्होंने बहुत डीप इस मुद्दे का अध्ययन किया है, और हम राइट अप जो आपको देंगे उसमें वो सारे दस्तावेज हमने दिए हैं। और मैं अपने नेता का बचाव करते हुए जिस NRI कॉलेज की अभी माननीय अरुण यादव जी बात करेंगे, अरुण यादव जी संवैधानिक पद पर रहे हैं इसलिए मेरी हमेशा कोशिश होती है कि हमारे इंजन को बचा कर रखो, डब्बे हम लोग खराब हो गए तो नए लग जाएंगे, और अब तो वंदे मातरम ट्रेन आ गई तो डब्बों की चिंता नहीं। वो जो कॉलेज है, आप लोग बाद में पूछेंगे कि किसका नाम कॉलेज किसका है, आप नाम बताइए, तो मैं पहले ही बता दूं कि वो कॉलेज NRI कॉलेज भाजपा के विधायक संजीव कुमार कुशवाहा का है। अब मैं माननीय अरुण यादव जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस घोटाले के सारे तथ्यात्मक मुद्दों से वो आपसे खुली चर्चा करें। माननीय अरुण यादव जी, उपस्थित पत्रकार साथियों, आदरणीय हमारे टायर ब्रांड KK भाई, चंद्रिका जी और सभी हमारे मीडिया विभाग के सम्मानित साथीगण, हमारे विधायक जी विशेष रूप से आज यहाँ राजेश जी आए हैं क्योंकि उन्हीं का क्षेत्र का ये मामला है। आज से 5 दिन पूर्व कुछ प्रेस के साथियों से मैंने अपने घर पर मुलाकात की थी, और उसी दरमियान KK भाई, असद और हमारी पूरी मीडिया सेल ने जब ये जानकारी हमको लगी कि व्यापम 3 मध्य प्रदेश में हो रहा है, व्यापम 1 जिसके बारे में KK भाई ने आपको बताया, मुझे याद है कि 2014-15 में जब हम लोग आए थे, मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना था, उस समय हमने इसको आप सबके मदद से सहयोग से व्यापम 1 को पूरे देश भर में विश्व भर में इसकी चर्चा हमने की थी। उसके बाद व्यापम 2 होता है, मेरे साथ में ये 3 जो साथी मेरे लेफ्ट हैंड साइड में बैठे हैं, ये वो नौजवान हैं जो लगातार युवाओं की लड़ाई को संघर्ष करते हैं, भाई रंजीत, भाई राधेलाल और भाई सुरेंद्र, ये 3 साथियों को मैंने विशेष रूप से आज बुलाया है। ये वो नौजवान हैं जो व्यापम 1, 2 और 3 जिसके उल्लेख मैं भी करूंगा आपके सामने, उससे पीड़ित नौजवानों के में से एक साथी हैं। मेरे बाद मैं चाहूंगा वो भी 2-3 मिनट आपसे चर्चा करेंगे, कुछ जानकारी आपको देंगे। मध्य प्रदेश घोटालों का प्रदेश आप सबको पता है, और यहाँ व्यापम जैसे सैकड़ों घोटाले मध्य प्रदेश में पिछले 18 साल में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हुए हैं, और दुर्भाग्य ये हमारे मध्य प्रदेश का कि 18 साल की सरकार में जो महाघोटाले हुए हैं उन घोटाले बाजों पर कोई कार्रवाई नहीं होती, और दुर्भाग्य ये भी हमारा इस प्रदेश का है कि कुछ दिन पूर्व डॉक्टर साहब यहाँ पर प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने बड़े जोर शोर से अपने भाषण में कहा था कि मैं घोटाले बाजों को नहीं छोड़ूंगा। अब माननीय प्रधानमंत्री जी से हम सब जानना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश जो आपका आपकी सरकार जहाँ पर रही पिछले 18 सालों से,
और जो महाघोटाले मध्य प्रदेश में हुए हैं और जो घोटालेबाज हैं मध्य प्रदेश सरकार के, उनके खिलाफ प्रधानमंत्री जी आप क्या कार्रवाई करने वाले हैं, कृपा पूर्वक मध्य प्रदेश की जनता को और देश की जनता को भी बताइए। और जहाँ जहाँ देश में आपकी सरकारें हैं उन प्रदेशों में जो महा घोटाले हुए हैं उन पर माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कार्रवाई करेंगे, ये भी हम सब लोग जानना चाहते हैं। पटवारियों की परीक्षा होती है, मैं डाटा आपको अभी दूंगा, कुछ कागज मैंने कलेक्ट कराए हैं क्योंकि भाई हम लोगों ने मिलके कुछ जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो परीक्षार्थी थे उनके बारे में जानकारी मैं देने वाला हूँ आपको। पदों की परीक्षा होती है, परीक्षा NRI कॉलेज ग्वालियर में होती है, अलग अलग सेंटर होते हैं कई प्रदेश में, कई और जिलों में भी इस तरह के सेंटर बने होंगे जहां पर विभिन्न प्रशासनिक परीक्षाएं होती हैं। NRI कॉलेज के कर्ता धर्ता जिसके बारे में आपको के भाई ने अभी बताया है, परीक्षा होती है, परीक्षा में से टॉप 10 टॉपर्स में से 7 एक ही कॉलेज के हैं, 10 टॉपर में से 7 ग्वालियर संभाग के NRI कॉलेज में जिन लोगों ने अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी वो हैं, 10 में से 7। जब परीक्षा होती है तो प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नों की कुछ डिटेलिंग हमने की है वो मैं आपको अभी आपके पास भिजवाने वाला हूं। अभ्यर्थी सिग्नेचर करता है इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में, और एक बड़ी अच्छी बात मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि एक अभ्यर्थी ने अंग्रेजी में लिखा है, कट ऑन मार्क नोज, कट ऑन मार्क नोज, जबकि अगर अंग्रेजी में थोड़ी बहुत मैं भी जानता हूं, आप लोग भी थोड़ी बहुत जानते समझते होंगे, अगर अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया जाएगा तो यह होना चाहिए मार्क, कट मार्क ऑन नोज, मतलब नाक पर एक मार्क और लेकिन चिन्हित है, ऐसा कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में। अब ये अभ्यर्थी, इस तरह के अभ्यर्थी जिनकी सिग्नेचर हिंदी में होती है और जो अंग्रेजी में इस तरह का अपने शरीर पर जो कुछ चिन्ह होता है उसके बारे में कहीं उल्लेख किया होगा उसमें प्रश्न में, उसका अनुवाद करते हैं जो आपको मैंने अभी पढ़कर सुना दिया, जो सरासर गलत है, सरासर गलत। वो अभ्यर्थी पास हो जाते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिनको 185 में से 185 मार्क भी मिल जाते हैं, फुल मार्क्स, हिंदुस्तान में मुझे भी, मेरे 48 साल की उम्र हो गई है और बहुत सारे साथी यहाँ पर जो आए हैं जो अपने परिवार से बच्चों को पढ़ाई लिखाई में जानते समझते होंगे, ऐसा आज तक मैंने तो कोई अभ्यर्थी नहीं देखा जो इस तरह की परीक्षाओं में गया हो जिसको 185 में से 185 फुल मार्क्स मिल जा रहे। ये भी एक बड़ी ताज्जुब की बात हमने अभी सुनी है। और आप देखिए एक और कितना बड़ा कार्यक्रम सरकार करती, कांड करती है, जब लगने लगा कि व्यापम के नाम से बड़ी बदनामी सरकार की हो रही है तो उस परीक्षा का नाम ही बदल दिया जाता है। व्यापम जैसे महाघोटाले को कैसे छुपाया जाए इसके लिए उसका नाम बदल दो,
तो फिर उस नाम उस परीक्षा का नाम कर्मचारी चयन बोर्ड कर दिया जाता है। और सरकार, मुख्यमंत्री जी, उनके प्रदेश के सरकार के काबीना मंत्री नरोत्तम मिश्र जी का मैंने स्टेटमेंट आज कहीं सुना आ रही है, स्तर के महा घोटाले उनकी प्रदेश की सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। वो कहते हैं कि ये चूंकि विधानसभा है इसलिए उठा रहे हैं। व्यापम वन हो गया, व्यापम टू हो गया, व्यापम थ्री मध्य प्रदेश में हो गया, सरकार की तरफ से जिन लोगों ने ये घोटाले किए उनके उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम मुख्यमंत्री जी से जानना चाहते हैं कि जिस NRI कॉलेज में ये परीक्षा हुई, परीक्षा कॉलेज के मालिक जो आपके आपके पार्टी के एक विधायक हैं, जिनके जिसे कॉलेज के मालिक हैं, जिन लोगों ने जो लोग इसमें लिप्त हैं उनके खिलाफ मुख्यमंत्री जी कोई कार्रवाई करेंगे ना करेंगे, ये तमाम तथ्य जो मैं आपको अभी प्रेजेंट करने वाला हूँ डिटेल्स के साथ में, क्या मुख्यमंत्री जी सरकार की कार्रवाई करेगी? जहाँ तक मुझे लगता है, जब व्यापम वन में कोई कार्रवाई नहीं हुई जिसमें सैकड़ों लोगों, हजारों लाखों लोगों ने अपनी परीक्षा दी लेकिन पास नहीं हो पाए, कई लोगों ने अपनी जानें गंवा दी, पटवारी की परीक्षा, कृषि विस्तार अधिकारी की परीक्षा होती है, आपको पता होगा कि कृषि विस्तार अधिकारी की परीक्षा में भिंड मुरैना जिले के, दतिया जिले के और विशेष रूप से VD शर्मा के संसदीय क्षेत्र के लोगों का चयन होता है। ये एक बहुत महा घोटाला मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा किया गया, जिसके बारे में हम सब चर्चा करने के लिए आपके बीच में है। मुझे खुशी है कि कुछ अखबारों ने आज इसको बड़ी प्राथमिकता से छापा है, और ये सीधा सीधा प्रदेश के नौजवान जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपना भविष्य में कुछ सरकारी नौकरी लगना चाहते हैं, उनके भविष्य के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ प्रदेश की सरकार द्वारा किया गया। मैं आपके प्रश्नों का जवाब इसके बाद दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे साथ में जो तीन नौजवान आए हैं उसमें से भाई रंजीत जो कृषि कॉलेज के विद्यार्थी हैं इंदौर के, जहां मेरे पिताजी पढ़े हुए हैं, और राधे ये भी कृषि, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय इंदौर का छात्र है, उनके साथ में एक नौजवान सुरेंद्र आया है। मैं भाई रंजीत से कहूंगा कि कुछ चीज़ें जो डॉक्यूमेंट्स उसके पास, डिमांड क्या करें, डिमांड बताएं, फिर आप क्वेश्चन। माननीय कमलनाथ जी के निर्देश पर जो आज इस बड़े गौम पार्टी का भंडाफोड़ किया गया है, उसमें माननीय अरुण यादव जी की ओर से जो कांग्रेस पार्टी की प्रमुख मांगे हैं इस बड़े घोटाले को लेकर, उनमें सबसे पहली मांग है कि इस भ्रष्टाचार और घोटाले की जांच CBI से कराई जाए, और जो धांधली और भ्रष्टाचार करने वाले हैं इंक्लूडिंग संजीव सिंह कुशवाहा, उनके ऊपर आपराधिक प्रकरणों, NRI कॉलेज की भूमिका की जांच हो, टॉप 100 स्टूडेंट्स की सूची उनके परीक्षा केंद्र के नाम के साथ जारी हो, इन छात्रों ने फॉर्म कहां से भरा है इसकी जानकारी भी सार्वजनिक हो, बायोमेट्रिक से लेकर एग्जाम देने तक समस्त वीडियोग्राफी जो हुई है उसकी सार्वजनिक जानकारी दी जाए, परीक्षा में लगे समय को भी सार्वजनिक किया जाए ताकि ये पता लग सके कि इन्होंने कितनी देर में परीक्षा के प्रश्नों को हल किया है, और सभी चयनित टॉप 10 जो अभ्यर्थी हैं, क्योंकि अब जांच एजेंसियां विश्वसनीय नहीं है, अभी जो थोड़ा बहुत विश्वास हम लोगों को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर है, क्योंकि आप लोग इतने दबाव में रहते हैं, मगर पत्रकारिता आज भी जीवित है, तो हमारी मांग है कि उसमें
एक सशक्त मीडिया टीम के माध्यम से जो टॉप 10 अभ्यर्थी हैं जो चयनित हुए हैं उनकी जांच मीडिया के माध्यम से, क्योंकि सीबीआई वगैरह ये सब अब एक फॉर्मल हो गई है, आप लोगों पे हमारी पूरी आस्था है। अब मैं हमारे मेहमान चौक से जो आए हैं उनसे रंजीत भाई से आग्रह करूँगा कि आपसे चर्चा हो, फिर अरुण यादव जी आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। आदरणीय पत्रकार महोदय, देखिए मध्य प्रदेश में व्यापम की पूरी सीरीज चल रही है। व्यापम 1, 2, 3, सबसे पहले चिकित्सा भर्ती में व्यापम घोटाला होता है, उसके बाद कृषि भर्ती परीक्षाओं में व्यापम घोटाला होता है, उसके बाद शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में व्यापम घोटाला होता है, और अब जो ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 पटवारी भर्ती परीक्षा उसमें व्यापम घोटाला हो रहा है। तो मध्य प्रदेश में अभी कुछ समय पहले व्यापम के ऊपर एक सीरीज भी आई थी, तो मुझे लग रहा है मुख्यमंत्री जी और कंटेंट दे रहे हैं कि आप और एक सीरीज बनाइए। पूरी सीरीज चल रही है व्यापम घोटाले के ऊपर, और पूरे देश में एक एड चला था कि क्या चल रहा है, तो जवाब आता था फोक चल रहा है। मध्य प्रदेश के युवाओं से आप पूछिए क्या चल रहा है, तो व्यापम चल रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। आप जब देखेंगे इस पूरे घोटाले का अध्ययन करेंगे तो 10 में जो सूची आई है उसमें से 60 टॉपर केवल एक कॉलेज से आ जाते हैं। मेरा तो सरकार और व्यापम से सवाल है कि उस कॉलेज के अंदर ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति है कि सारे टॉपर वहीं से आ रहे हैं, या तो सारे सेंटर बन करके उसे अकेले को उसको सेंटर बना दीजिए। जब आप इसकी डीप स्टडी करेंगे तो जो क्वेश्चन जिनके उत्तर व्यापम द्वारा गलती से गलत दे दिए गए थे, इन्हीं टापरों ने उन्हीं विकल्पों का चयन किया है जो व्यापम द्वारा गलती से उत्तर गलत दे दिए गए थे, और ये सेम पैटर्न कृषि भर्ती परीक्षाओं में हुआ था। कृषि भर्ती परीक्षाओं में भी जो व्यापम ने गलत उत्तर दिए थे इस परीक्षा में भी वही हुआ। जैसा कि भैया ने अभी बताया, जो टापर हैं वो अपने सिग्नेचर तो हिंदी में करते हैं, लेकिन जब अंग्रेजी पेपर की बात आती है तो पूरे में से पूरे नंबर वो लेके आते हैं। एक टापर है जो बालाघाट, जिन्होंने अपना फर्स्ट प्रेफरेंस में बालाघाट उन्होंने अपनी नियुक्ति चाहिए, लेकिन वो पेपर देने ग्वालियर जाते हैं। तो ये सारे प्रश्न हैं और ये इसके पुख्ता एविडेंस हैं। 21 मार्च को जो पेपर हुआ था उसमें जो कुछ अभ्यर्थी बैठे थे उसमें आकाश, मुकेश और भी लोग हैं, उनका हमारे पास प्रूफ है। उन लोगों ने सारों ने एक जैसे प्रश्नों को गलत किया है, सारों ने एक जैसे प्रश्नों का गलत किया है। इसका मतलब ये है कि मध्य प्रदेश के अंदर व्यापम के अंदर जो माफिया और दलाल बैठे हैं वो मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य का सौदा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के भविष्य जो लाइब्रेरी में बैठे हैं, जो कोचिंग में बैठकर रात दिन अपनी मेहनत करते हैं, लेकिन जो भोपाल में चंद लोग बैठे हैं शिक्षा के दलाल, वो उनके सौदा कर रहे हैं मेहनत का। और मुख्यमंत्री जी बाहर जाते हैं जब कहते हैं कि दलाल और माफिया मध्य प्रदेश को छोड़ दो, नहीं तो जमीन के अंदर 10 फीट काट दूंगा। व्यापम तो भोपाल के अंदर ही है, उसके अंदर लगातार घोटाले हो रहे हैं, एक के ऊपर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। जब मध्य प्रदेश में कृषि भर्ती परीक्षा हुई, एक एक व्यक्ति का एविडेंस हमारे द्वारा दिया गया था, आज तक भी एक व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। और नेयू जो संगठन है, नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन, जिसमें हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने भर्ती सत्याग्रह भी चलाया, और ये पूरा जो घोटाला है, इसके बाद जो इसके पहले जो टीटी भर्ती में घोटाला हुआ था उसमें स्किन शेयर के माध्यम से जो पेपर लीक किया गया था उसका भी आज तक एक व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। इस परीक्षा के दौरान जेमर की जो खबर आई थी, कई परीक्षा केंद्र बिना जेमर के परीक्षा करा दी गई, उसके ऊपर भी आज तक कोई जवाब नहीं आया। जो परीक्षार्थी जो अपना सेंटर चाहते हैं, जिसको प्राथमिकता देते हैं, उससे 400 से 500 किलोमीटर दूर उनको सेंटर दिए जा रहे हैं, इसका क्या कारण है, इसके ऊपर आज तक एक कोई जवाब नहीं आया। जब भी कोई पेपर लीक होता है, व्यापम, पीबी और अब नया नाम आ गया, जब भी कोई नया नाम आता है इसका मतलब नया घोटाला होने वाला है। कंपनी ब्लैकलिस्टेड थी, जो अभी जिसने पेपर लिया वो ब्लैकलिस्टेड थी, उसके बाद उसको ठेका दे दिया गया, उस कंपनी ने किसी तीसरी कंपनी को ठेका दे दिया। तो हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर जो पेपर लीक है उसके ऊपर कानून बने, जो पेपर लीक कराते हैं ऐसे लोगों को आजीवन कारावास दिया जाए, ताकि मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ जो छल हो रहा है वो बंद हो। और इसके साथ जो ठेके भी दिए जाते हैं जिन कंपनियों को, वो TCA जैसी कंपनी हो, ताकि भ्रष्टाचार जो हो रहा है मध्य प्रदेश में, लगातार व्यापम घोटाला हो रहा है, जो छात्रों के भविष्य और पेपर बिक रहे हैं उस पर रोक लगे। धन्यवाद।
हम लोग सभी मीडिया साथियों को नमस्कार। नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन की राष्ट्रीय बोर्ड कमेटी से हम लोग आए हैं, भैया ने आज हमें बुलाया है। व्यापक घोटाला तीन हम लोगों ने व्यापक घोटाला दो में भी 55 दिन तक आंदोलन किया था, अपने कपड़े उतार के हम लोग निकले थे रोड पे, लेकिन फिर भी हुआ। और वो आज तक वो जो 10 लोग हैं जो टॉप 10 जो भैया ने बताया एक क्षेत्र के, आज भी प्राइवेट कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं। आज आप सीधा सा एक और क्वेश्चन था कि नर्मदा नदी का इसी पटवारी एग्जाम में होता है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? उसमें अनूपनगर था लेकिन भोपाल है, तो जो व्यापम ने भोपाल लगाया था उन टॉपर में भी भोपाल है, एक इजी सा क्वेश्चन है तो आप देखेंगे। दूसरी बात, अब एक उसमें लड़की का आप देखेंगे उसका जो बैकग्राउंड है, जब व्यापम देता है तो जो पीछे का फोटोग्राफ होता है उसका बैकग्राउंड पूरा व्हाइट होना चाहिए, उसने अपने घर के वहाँ से फोटो निकाल के दिया तो उसको रिजेक्ट होना था, लेकिन वो भी टॉप कर गई है। और आज हमें पता चला जिस क्षेत्र से उस गांव से आती हैं वो वहाँ से अपने पूरे परिवार के साथ सभी के साथ भाग गए हैं, जबकि हम ये मांग करते हैं कि जो टॉप 10 है उनका मीडिया ट्रायल होना चाहिए। आप लोग खुद जाइए, आप जो टॉप 10 वहाँ जब IAS IPS में जब सिलेक्ट होते हैं तो उनको पूरी कोचिंग वाले घर उसे बुलाते हैं कि ये हमारे यहाँ से सिलेक्ट है, ये कौन सी कोचिंग से सिलेक्ट हुए, कौन से इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं। एक तो 40 साल की जो महिला है आप देखेंगे उसने उसके बाद भी टॉप 10 फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया है, एक ही परिवार के 4 लोग सिलेक्ट हो गए, तो ऐसा कौन सा इन्होंने काम किया है कि ये सब टॉप है? तो ये बहुत बड़ा घोटाला है। और हम लोग आज हम ये मांग करना चाहते हैं कि हमारा कल हमारा मध्य प्रदेश में पूरी जगह हम लोग ज्ञापन भी देने जा रहे हैं कलेक्टर कार्यालय पे, सब पे हम ये चाह रहे हैं, विधानसभा भी चल रही है, इस पर एक कानून बने ताकि ये जो पूरी तरीके से व्यापक घोटाला है खत्म हो। अगर इस पे अभी कैबिनेट भी बैठ सकती है, विपक्ष भी साथ में है, तो इस पे ऐसा कानून बने ताकि जो मध्य प्रदेश के बच्चों को जो भविष्य अंधकार में वो बार बार ना हो। क्योंकि हमारे साथ अब ये भी हो रहा कि जो बच्चे सिलेक्ट हुए ईमानदारी से वो भी बोले कि सर हम 4-4 साल से तैयारी कर रहे थे और हमारी मानसिक स्थिति सुसाइड करने जैसी आ गई। तो ये जो शिवराज सरकार ये करना चाह रही, मानसिक प्रताड़ना दे रही है मध्य प्रदेश के युवाओं को, लेकिन ये प्रताड़ना हम भी नहीं झेलने वाले। इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन हम जल्द करेंगे, अगर इस पर 3-4 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा आंदोलन होगा, गोपालपुरा जाम होगा, ये मध्य प्रदेश के युवाओं ने शपथ ली है। और कल उसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, इसको सबसे पहले ज्ञापन दे रहे हैं और 3 दिन का समय देंगे सरकार को, कार्रवाई नहीं करती तो भोपाल में हम लोग इसको बहुत बड़े आंदोलन का स्वरूप देने वाले हैं। एनी क्वेश्चन? कोई सवाल किसी साथी का हो? आप लोग शोर बंद कर दीजिए, इम्पोर्टेंट इशू है। बिल्कुल, बहुत ही मूल प्रश्न आपने उठाया है। देखिए, हर बार किसी प्रकार की परीक्षा होती है, एक परीक्षा फॉर्म की फीस होती है और जिसमें मैं समझता हूँ करोड़ों रुपया सरकार को मिलता है। और मालूम पड़ा कि उदाहरण तौर पर कोई टीचर की भर्ती होना है, आप मध्य प्रदेश में इतनी बेरोजगारी की लाखों की तादाद में नौजवान हमारा उसको पैसे भरता है, फॉर्म भी भरता है, उसकी कुछ 100-200-500 फीस होती है और पता चला 15 दिन बाद वो कैंसिल हो जाती है। तो उसका कोई प्रावधान सरकार में नहीं कि जो परीक्षाओं के फॉर्म भरे जाते हैं, जो अभ्यर्थी फॉर्म के साथ पैसे जमा करता है, अगर परीक्षा नहीं होती है तो वो फॉर्म का पैसा उसको वापस मिलना चाहिए। ये बिल्कुल सही प्रश्न है, इसको लेकर निश्चित तौर पर जब हम सरकार में आएंगे तो ज़रूर इस पर हम लोग ध्यान देंगे। जी हाँ भाई, नहीं बिल्कुल, इसमें हम लोग देखिए पूरी ये हम नहीं 5 दिन पहले देखिए भाई हमारी टीम ने ही इसको पूरी इसकी डिटेलिंग की थी, इसको इश्यू को लेकर अभी
हमारे रणजीत और भाई राधे को इसलिए बुलाया था कि ये लोग हमारे ये भी इस काम में हमारी मदद कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इसका पूर्ण रूप से इसको हर फोरम पर हम लोग उठाने का काम करेंगे और जिले स्तर पर भी इस पर कार्रवाई कराएंगे। I will let you know in details. I have got some details and we are also collecting some more details. So sure. I will let you know. ब्लैकलिस्ट कंपनी की जानकारी मैं आपको कल दे दूंगा। इस पे बहुत कड़ा कानून बनना चाहिए क्योंकि सीधा सीधा मध्य प्रदेश के और देश के नौजवानों के साथ इस भ्रष्टाचारी सरकारों में ये कार्रवाई नहीं हो पाती है। जो आरोपी हैं जिन लोगों ने किए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, एनएसए लगना चाहिए, कारावास होना चाहिए और जो ब्लैक लिस्टेड कंपनियां हैं उनको वापस मौका नहीं मिलना चाहिए। ये सारी कार्रवाई सरकार में आने के बाद जरूर। रवि जी अरुण जी, जैसे हमने व्यापक बस पार्क में देखा था पूरी कांग्रेस जबरदस्त देश में के मैसेज, अभी हमने व्यापक 2 का पाया, कईयों को पता भी नहीं चल पाया, ये बालक जरूर इसमें शामिल थे, लेकिन व्यापक 3 अभी आपके सामने है। नहीं, कांग्रेस हम एक एक ही है ना, हम एक एक भाई कांग्रेस ही है, सब लोग लगे हैं अपने अपने स्तर पर। अभी देखिए आज हाउस चला ले तो अदरवाइज हाउस में भी आज आने वाला था। ये अभी अभी माननीय कमलनाथ जी पीसीसी आए थे ऊपर, उन्होंने खुद अरुण यादव जी को फोन पर चर्चा कर निर्देश दिया कि इस मामले को बहुत ताकत के साथ उठाना है। देखिए आप बिल्कुल ठीक आपने कहा कि विधानसभा ऐसा फोरम है जहाँ पर हमारी बात रखने का हमको मौका मिलना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मध्य प्रदेश में पिछले 18 सालों में अगर विधानसभा का रिकॉर्ड आप उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये विधानसभा कितने दिन एक 5 साल का कितने दिन चली होगी। तो जब सरकार जब अपने सरकार को लगता है कि वो उनकी स्थिति खराब है और उनके काले घर का कारनामे विपक्ष द्वारा उजागर किए जाएंगे तो वो विधानसभा चलने नहीं देते हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। विनीत जी, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है और इसको लेकर जो हमारी कार्रवाई हो रही है, जो मैनिफेस्टो हम लोग बना रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये 2013-14 से ही शुरू हुआ है और इस 18 साल 2013-14 से 2023 तक के दरमियान में केवल 12 महीने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही है। उन 12 महीनों में हमारी ये पुरजोर कोशिश थी, उसके बारे में बहुत डिटेलिंग माननीय कमलनाथ जी के साथ हमारे कैबिनेट के साथियों ने चर्चा की थी कि इसका बहुत ही रोबस्ट एक बहुत ही फुल प्रूफ सिस्टम बनाना चाहिए और ये अतिथि शिक्षक और इस तरह की जो बीच बीच में जो हम लोग जाल देते तो परमानेंट सोल्यूशन का निकालना चाहिए। इसके बारे में हम अधिकारियों से भी और हमारे पार्टी के लोगों से भी कुछ एजुकेशन सिस्टम पर बात कर रहे थे, लेकिन वो सरकार जो कि 15 महीने में ही चली गई, ये कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई। मैं लेकिन आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जब नई सरकार आएगी तो ये सब इसका एक बड़ा मजबूत ढांचा हम लोग तैयार करेंगे
जिसमें मध्यप्रदेश के नौजवानों को खिलवाड़ ना हो सके आगे भविष्य में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। चलिए थैंक यू। आज बंटवारी की बात करें, बहुत बड़ी हो जाएगी, छोटी सी 30 सेकंड की जगह खत्म करिए। रुक जाओ ना, अरे रुक कई तरीके के पटवारी परीक्षा को लेकर आपने गंभीर आरोप लगाए हैं आज। देखिए, मध्य प्रदेश घोटालों का प्रदेश बन चुका है और व्यापम वन जिसमें मेडिकल का घोटाला होता है, व्यापम टू जिसमें कृषि विस्तार अधिकारियों का मांग घोटाला होता है, व्यापम थ्री जो अभी जिसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की पटवारियों की परीक्षाओं में मांग घोटाला होता है, ये प्रदेश घोटालों का प्रदेश बन चुका है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के कंट्रोल के बाहर है। आज हमने डिटेल्स के साथ आपको पटवारी परीक्षा के बारे में बताया। उल्लेखनीय बात ये, विधायक हैं उनके कॉलेज में परीक्षा की जाती है, परीक्षा के दरमियान नतीजे के बाद टॉप 10 स्टूडेंट में से टॉप 7 स्टूडेंट NRI कॉलेज के निकल कर आते हैं। उसमें एक और उल्लेखनीय की बात आई है कि जब परीक्षा फॉर्म में एक प्रश्न आता है जिस पर सिग्नेचर तो आप हिंदी में करती है परीक्षा की और अंग्रेजी में जो उसका अनुवाद करती है वो सरासर गलत है। परीक्षा में अभ्यर्थी को 185 में से 185 मार्क्स मिल जाते हैं, ये भी बड़ी बड़ी अचरज की बात है, अचंभा होता है हम लोगों को। ऐसा कौन सा परीक्षा, कौन सा पढ़ाई करके वो अभ्यर्थी आए हैं, एक ही कॉलेज में 7 टॉप 10 में से टॉप 10 वहाँ के एक ही कॉलेज के लोग अभ्यर्थी पास होकर आते हैं और 185 में से 185 नंबर लेकर आते हैं। ये एक महा घोटाला पटवारी की परीक्षा में मध्य प्रदेश में हुई है। कुछ डिटेल्स हमारे पास और आ रही है, लगातार हम आपको ये इसकी जानकारी देते रहेंगे। हमारी स्पष्ट मांग है इस महा घोटाले की CBI जांच हो जाए। ये नंबर है, जिस कॉलेज में ये परीक्षा हुई उस परीक्षा के दरमियान वहाँ क्या हुआ उसका डिटेल्स मध्य प्रदेश की जनता के सामने आना चाहिए। जो वीडियोग्राफी हुई है, जो बायोमेट्रिक्स अवेलेबल हैं, जो अभ्यर्थी वहाँ पर गए हैं, जिन लोगों ने परीक्षा दी है, उसका सारा लेखा जोखा प्रदेश की जनता के सामने सरकार को रखना चाहिए। अगर सरकार इतनी ईमानदार है और सरकार ने कोई बेईमानी नहीं की है और विधायक के कॉलेज में मार घोटाला होता है तो इसका लेखा झुका प्रदेश की जनता के सामने सरकार को रखना चाहिए। कल अभिप्राय आए थे उसके बाद से लगातार बैठकों का दौर जारी है भारतीय जनता पार्टी में। एक बड़ी बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी में है। 2023 मिशन 150 इसका नेतृत्व कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में कर रहे हैं और हमने ये संकल्प लिया है कि मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव में 150 से अधिक विधायक को जिता कर एक मजबूत सरकार मध्य प्रदेश की जनता के सेवा के लिए हम लोग बनाएंगे। थैंक यू।